हेलो everyone, welcome वेलकम अगेन टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ टॉपिक दैट इज़ पेप्टाइड बोंड तो आज मैं आपको पैप्टाइड बोंड के बारे में बताऊंगी. पेप्टाइड बोंड जो होता है वो जो हम प्रोटीन की बात करते हैं जब तो पैप्टाइड बोंड प्रोटीन से रिलेटेड होता है मतलब आप किसी भी चीज़ की कोई बड़ी यूनिट बनाते हो तो उसके लिए आपके पास कोई सी छोटी यूनिट होना ज़रूरी होता है तो इसी तरह जब हम प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसका जो मोनोमर यूनिट होता है दैट इज़ अमीनो एसिड राइट अमीनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको अपनी जो लास्ट वीडियो थी उनमें बता दिया था तो जो पेप्टाइड बोंड होता है वो क्या होता है और वो किस तरीके से कहाँ पे फॉर्म होता है ये सब जो है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी तो बेसिकली देखो अगर हम दो पेप्टाइड दो अमीनो एसिड ले रहे हैं डिफरेंट अमीनो एसिड हो सकते हैं सेम अमीनो एसिड हो सकते हैं डजेंट मैटर अगर आपके पास दो अमीनो एसिड हैं तो उन दोनों अमीनो एसिड के बीच में एक बोंड का फॉर्मेशन होता है अगर आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि हम बोंन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक अगर हम कार्बन कार्बन के बीच में बोंन्ड बनाते हैं तो दिस लाइन रिप्रेजेंट बोंन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम तो इसी तरीके से दो अमीनो एसिड हैं एज्यूम कर लो ये दोनों अमीनो एसिड जो हैं डिफरेंट है मैं सिर्फ बता रही हूँ दैट दे आर डिफरेंट इन नेचर क्योंकि ये चीज़ किससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी जो आर वन चेन है वो कैसी है अगर वो इस इस वाले अमीनो एसिड में और इस अमीनो एसिड में सेम है तो हम बोलेंगे कि दोनों अमीनो एसिड जो है वो क्या है सेम है बट अगर ये दोनों आर चेन जो है वो डिफरेंट हैं देन दीज आर डिफरेंट अमीनो एसिड ओके तो इसी तरी इसी तरह से जब हम एक कार्बन यानी कि एक अमीनो एसिड एक मैंने ले लिया एक अमीनो एसिड नंबर वन एंड अमीनो एसिड नंबर टू तो ये दो अमीनो एसिड मैंने ले लिए हैं अब आप यहाँ पे ये चीज़ चेक करो कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में इसके एन एच टू ग्रुप को रखा है और इस अमीनो एसिड को मैंने रिवर्स करके रखा है मतलब कि इसका सी ओ एच ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड पर है तो इसी तरह से हमेशा याद रखना कि जब आप पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हो तो उनकी जो मोनोमर यूनिट होती है उनके जुड़ने से जब एक पॉलीमर बनता है प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो अगर ये पूरा प्रोटीन है इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड हैं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो एन एच टू ग्रुप होगा जिसको हम एन एन टर्मिनस बोलेंगे और जो उसका राइट हैंड साइड ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे सी टर्मिनस क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कार्बोक्सिल ग्रुप होगा आई होप आप ये चीज समझ गए हो अब देखो मैं पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बताती हूँ कि क्या होता है आपने ये पूरी प्रोटीन देख ली कि ये इस तरीके से बनेगी लेकिन इसमें जो डिफरेंट रेजिड्यू हैं अमीनो एसिड हैं वो किस तरीके से अटैच हैं दे आर अटैच विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड तो यहाँ पे देखो ये अमीनो एसिड नंबर वन है ये अमीनो एसिड नंबर टू है तो इसका कार्बोक्सिल ग्रुप और इसका अमीनो ग्रुप बोथ था डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप तो हम यहाँ से एक वाटर को रिमूव कर देंगे आपको पता होगा वाटर किस तरीके से रिमूव करोगे आप यहाँ से ओ एच को निकालोगे और यहाँ से एच को निकालोगे

तो ये क्या है ये हमारे पास पेप्टाइड बोंड है ये ब्राउन शेड वाला आप चेक मत करना आप सिर्फ ये ब्लू बॉक्स में जो मैंने इंडिकेट किया है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेप्टाइड बोंड को विच इज कोवेलेंट इन नेचर सो कोवेलेंट बोंड ही पेप्टाइड बोंड होता है यहाँ पे पेप्टाइड बोंड जो है दिस इज द बोंड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एन टू ग्रुप आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर तो यहाँ पे हम ये चीज़ बता सकते हैं पेप्टाइड बोंड बहुत सिंपल है इसी तरह से जब आप थर्ड अमीनो एसिड को अटैच करोगे तो उसका एनेस्टो ग्रुप इस तरफ होगा यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा और एक अनदर बोंड बन जाएगा हमेशा जो होता है पेप्टाइड बोंड का नंबर जो होता है वो एन माइनस वन होता है अगर आपको पेप्टाइड बोंड निकालने हैं इनकी जो नंबरिंग है कि कितना किसी प्रोटीन में पेप्टाइड बोंड है तो वो उसका एन माइनस वन होगा एन जो है यहाँ पर नंबर ऑफ अमीनो एसिड होंगे और अगर हम उसमें से वन रिमूव कर देते हैं तो एन माइनस वन वो क्या हो जाएगा पेप्टाइड बोंड हो जाएगा विच इज़ कोवेलेंट इन नेचर तो ये इसमें आ, पेप्टाइड बोंड के बारे में था ये बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें से वाटर का रिमूवल हो जाता है और इस वाटर के रिमूवल की वजह से इस कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से पेप्टाइड बोंड का फॉर्मेशन होता है और इसमें आ, जो होता है वन वाटर वन मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में अब आगे के बारे में बताएंगे थैंक यू फ्रेंड्स